डियर चिल्ड्रन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेसन सेवनटीन फ्रॉम इंग्लिश कोर्स बुक प्यारे बच्चों आज हम इंग्लिश कोर्स बुक से लेसन सेवेन्टीन पढ़ेंगे इट्स नेम इज़ सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग इस लेसन का नाम है सिमिलर वर्ड्स यानी कि समान शब्द विद डिफरेंट मीनिंग्स जिनके कि डिफरेंट अर्थ होते हैं या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं शब्द हमें समान लगेंगे लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा समझते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर सम वर्ड्स विच अपीयर सेम इधर इन साउंड और इन स्पेलिंग येट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड यूसेज इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश भाषा भाषा में अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेम प्रतीत होते हैं समान लगते हैं या तो साउंड में आवाज़ में या स्पेलिंग में एक जैसे होते हैं समान होते हैं यट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड यूसेज जबकि या यद्यपि उनका मीनिंग और यूसेज जो होता है वह डिफरेंट होता है मीनिंग यानी अर्थ और यूसेज यानी उनका प्रयोग जहाँ पे हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग करने वाले हैं वे डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग होता है लाइक होमोफोन्स और होमोनिम्स जैसे कि होमोफोन्स या होमोनिम्स अब क्या होता है होमोफोन्स होमोफोन्स मीन्स द वर्ड्स विद द सेम प्रनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग होमोफोन का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका सेम प्रनासीशन होता है समान उच्चारण होता है प्रोनन्सिएशन यानि उच्चारण जब हम उसे बोले तो सेम साउंड निकले, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग यानी कि अर्थ भी अलग अलग होता है या भिन्न होता है इन द वर्ड होमोफोन स्टैंड्स फॉर सेम एंड फोन स्टैंड्स फॉर साउंड दैट इज प्रनंसिएशन होमोफोन जो पूरा वर्ड है उसमें होमो का मतलब होता है सेम यानी कि समान और फोन का मतलब होता है साउंड यानी आवाज़ दैट इज प्रनंिएशन जिसे उच्चारण भी कहा जाता है जब हम किसी वर्ड को बोलें तो जो उसका प्रोनाशिएशन होता है वह सेम हो लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो वे वर्ड्स होमोफोन्स कहलाते हैं और कुछ ऐसे ही वर्ड्स हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं I read all these words in both languages, English and Hindi. मैं इन सारे वर्ड्स को दोनों ही भाषाओं में इंग्लिश में और हिंदी में रीड करूँगी T H E N दैन तब T H A N दैन अपेक्षा C O A R S E कोर्स खुरदुरा C O U R S E कोर्स पाठ्यक्रम देखिए इनके प्रोनाशिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है नेक्स्ट वर्ड इज़ टी एच ई आर ई देयर वहाँ टी एच ई आई आर देयर उनका नेक्स्ट वर्ड सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक C O M P L I M E N T कॉम्प्लीमेंट यानी अभिवादन पी आर आई एन सी आई पी एल प्रिंसिपल प्रधानाचार्य पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल सिद्धांत डी ए आई आर वाई डेयरी दुग्धशाला डी आई ए आर वाई डायरी दैनंदिनी कहीं कहीं कुछ वर्ड्स में प्रनाउंसिएशन भी हल्का सा डिफरेंट हो सकता है नेक्स्ट वर्ड ए डबल सी ई पी टी एक्सैप्ट स्वीकार करना ई एक्ससी ई पी टी एक्सैप्ट अलावा डी आई ई डाई मृत्यु होना डी वाई ई डाई रंगना ए एन जी एल ई एंगल कोण एन जी ई एल एंजल देवदूत डी ओ एस ई डोज़ खुराक डी ओ जेड ई डोज़ उँगना बी ए आई एल बेल जमानत बी ए एल ई बेल गठर एफ ई ए टी फेट कौशल एफ डबल ई टी फिट पैर बी ए आर ई बेयर खाली बी ई ए आर बीयर रिच एल ए टी ई आर लेटर बाद में एल ए डबल टी ई आर लेटर बाद वाला सम मोर वर्ड्स आर हियर बी ई आर टी एच बर्थ रेल में सोने का स्थान बी आई आर टी एच बर्थ पैदा एच डब्ल्यू एल हील जूते की एडी एच ई एल हील भरना बी ई एस आई डी ई बिसाइड समीप बी ई एस आई डी ई एस बिसाइड्स अतिरिक्त एच ई ए आर हीयर सुनना एच ई आर ई हेयर यहाँ बी आर ए के ई ब्रेक चाल धीमा करने का यंत्र बी आर ई ए के ब्रेक तोड़ना एल डबल ओ एस सी एल डबल ओ एस ई लूज ढीला जिसे कहा जाता है हिंदी में एल ओ एस ई लॉस खो देना नेक्स्ट वर्ड इज सी ए डबल टी ए कैटल मवेशी के ई डबल टी एल कैटल केतली पी ई ए पीस शांति पी आई ई सी ई पीस टुकड़ा सी एच ई सी के चेक जांच पड़ताल करना सी एच ई क्यू यू ई चेक धनादेश जो कि बैंक में चेक हम इशू कराते हैं उस, उस चेक का स्पेलिंग होता है सी एच ई क्यू यू ई पी एल ए आई एन प्लेन समतल पी एल ए एन ई प्लेन हवाई जहाज़ सी आई टी ई साइट उदाहरण देना एस आई जी एस टी साइट दिखलाई देना पी आर ए वाई प्रे स्तुति करना पी आर ई वाई प्रे शिकार क्यू यू आई ई टी क्वाइट शांत क्यू यू आई टी ई क्वाइट पूर्णतः आर ए आई एन रेन बारिश आर ई आई जी एन रेन शासन एस ए आई एल सेल नाव या जहाज़ चलाना एस ए एल ई सेल बिक्री एंड लास्ट वर्ड इज एस टी ई ए एल स्टील चुराना एस टी डबल ई एल स्टील इस्पात तो देखा आप सभी ने इस तरह से ये वर्ड्स होते हैं जब इनको प्रोनाउंस किया जाता है तो सेम साउंड निकलता है लेकिन इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और इसका मीनिंग भी पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हल्का सा प्रोनाशिएशन भी जो होता है वह डिफरेंट होता है आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन थैंक यू सो मच